हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन पीर सियाल उनके मुर्शिद हैं तोसा शरीफ वाले। पीर सियाल अपने मुर्शिदों के पास बैठे हैं, हजरत की पठान, उन्होंने फरमाया आज हमारा दिल कर रहा है कि चले मुहार शरीफ। सवारियां तैयार हुई, लोग तैयार हुए, सवारियां कम हैं, तो हजरत पीर सियाल ने अपने मुर्शिद का मुसल्ला वज़ाइफ सर पे रखी और सवारी के साथ पैदल चल, मुर्शिद सवारी में आप पैदल चल, सारा दिन मुर्शिद की सवारी के साथ पैदल चल रहे। ईशा की नमाज पढ़ के बैठे तो परेशान है, हजरत की पठान ने फरमाया कि मैडा सियाल, मैडा शम्स परेशान क्यों थी है, मेरा शम्स परेशान क्यों है। तो आप जरा परेशानी सुने, अर्ज किया हुजूर सारा दिन आपकी सवारी के साथ चलता रहा हूं, थक गया हूं, डर रहा हूं, सो गया तो आज तहज्जुद कज़ा हो जाएगा, आज मैं तहज्जुद नहीं पढ़ सकूंगा, किसकी फिक्र है, ये फर्ज नमाज है कि नफल नमाज है। ये है हमारे दीन, ये है इस्लाम का तारुफ, ये है सूफिया, नफलों की फिक्र है, मेरी तहज्जुद ना कज़ा हो। काजूर आज सारा दिन आपकी सवारी के साथ चलता रहा हूं, जिसम में थकावट आ गई, सोचता हूं सो गया तहज्जुद रह जाए। पीर भी थे ख्वाजा सुलेमान तौसी, उन्होंने कहा आज मेरी सवारी के साथ चलते रहे हो, फिक्र है तहज्जुद कज़ा ना हो, मैं दुआ करता हूं सारी जिंदगी तेरी तहज्जुद कज़ा, सारी जिंदगी कभी तेरी तहज्जुद कज़ा ना हो। फिर हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन तहज्जुद के लिए उठते थे जब सियाल शरीफ, तो ताजदारे गोड़ा पीर मेरे लिए शाह साहब कूजे में पानी लेके खड़े हैं मुर्शिद को वजू कराने, मेरे मुर्शिद तहज्जुद के लिए उठे तो कूजे में पानी डालना ना पड़े, मैं पहले पानी लेके, इन्हें दुआ दी है ख्वाजा सुलेमान तौसवी ने तेरी तहज्जुद कज़ा ना हो। अब तहज्जुद के लिए उठते हैं तो ताजदारे गोड़ा वजू करवाने के लिए खड़े, अल्लाह वालों की दुआ का समर देखे, फिक्र क्या थी मेरे नफल ना रहे जी। और आज हमें फर्जों की परवाह है, और फिर नाम उन बुजुर्गों का है, ख्वाजा खाजना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूजात में से है, आप फरमाते हैं बदबख्ती की अलामत ये है कि बंदा गुनाहों पे गुनाह कर रहा हो और अपने आप को अल्लाह का दोस्त समझ, अपने आप को अल्लाह का मकबूल समझे, और हालत ये हो कि गुनाहों पे गुनाह कर। फरमाया पहचानना होना कि आदमी खुशबख्त है या बदबख्त है, खुश नसीब है या बद नसीब है, तो ये देख लो अगर उसके दिल में इबादत का शौक है खुश नसीब, और अगर गुनाहों पे गुनाह कर रहा है और फिर अपने आप को मकबूले बारगाह खुदा समझता है तो वो बदबख्त है। जिस रास्ते पे नहीं चला उसकी मंजिल की आस लगाई। हमारे बुजुर्गों ने अमल का दर्स दिया,